वेलकम टू रफ्तार मोटर टीवी। तो आज हमारे पास आरसी 390 आ चुका है। जैसे मैंने कहा था कि आने पर रिव्यू बनाया जाएगा, ये है। जब आपका गियर और टायर की स्पीड मैच नहीं करती तो उतनी
ही रेपन के जो स्लिपर क्लच होता है वो गियर को घुमाता रहता है कि टायर और इंजन की वेट मैच कर जाए। तो दैट्स व्हाई ये काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे WP की सस्पेंशन का जो नाम दिया गया है वो काफी बढ़िया लग रहा है, कि पहले एडवेंचर में आता था बट अभी इसमें दिया गया है। मैं आपको कहूंगा थोड़ा सा दिखा दो, क्लासिक लुक लग रहा है तो बढ़िया है। और ये जब स्टार्ट होता है ना, सबसे ज्यादा मेरा अगर फेवरेट पार्ट करूँ ना तो 390 में जब मैं चाबी ऑन करता हूँ ये सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि इस पे ये लोगो आता है। आपको सबसे पहले मिल रहा है माइक KTM राइट, माइक KTM राइट में ऑडियो पेयरिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद है ट्रिप डाटा मिल जाएगा आपको, ट्रिप वन, ट्रिप टू और वार्निंग्स, कोई भी वार्निंग होगी यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे MTC फेलियर, लो फ्यूल, साइड स्टैंड लगा हुआ है तो ये वार्निंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे। उसके बाद इसमें मोड्स आ जाते हैं, ये MTC है, MTC ऑन कर सकते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे क्विक शिफ्टर ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्विक शिफ्टर इसमें डबल होता है, अप एंड डाउन, जिसे हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो क्लचलेस गियर, के बिना आप क्लच दबाए गियर अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेटिंग आ जाती है, सेटिंग में क्विक सिलेक्टर है, ब्लूटूथ है, डिस्प्ले थीम है, जैसे नाइट करनी है जो ऑटोमेटिक है, अगर ऑटोमेटिक है तो दिन में ये वाइट रहेगा, नाइट होते ही ब्लैक हो जाएगा, तो इसको ऑटोमेटिक पे ही रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये लाइट आगे वाली शिफ्ट करनी हो तो वो कर सकते हो आप। उसके बाद क्लॉक है, आप यहाँ से डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। यूनिट में आ जाता है डिस्टेंस एंड फ्यूल, उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज चेंज करनी हो आपने, सर्विस कब होने वाली है आपकी, एक्स्ट्रा फंक्शन जैसे MTC है और CABS है। और उसके बाद यहाँ पे आपको RPM शो हो रहा है, ये यहाँ पे गियर शो होंगे, तेल तो बहुत ही कम है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको टेम्परेचर शो होता है, ये ऑडियोमीटर है, और यहाँ पे ये ABS और MTC ऑन ऑफ है, ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सेफ्टी ऑन है कि नहीं है। यहाँ पे आपको जो ओडोमीटर मिल रहा है इसके बिल्कुल ऊपर ही ये आपको टायर की स्पीड शो करेगा जितने पे आप चल रहे हैं। तो ये पेयरिंग है फोन हैंडसेट, जैसे आप पेयरिंग कर लेते हैं आपके फोन की बैटरी से लेके, अगर आपके नोटिफिकेशन देखने वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ फोन की बैटरी भी आपको दिखाई देगी, यहाँ पे आपको इसकी बैटरी शो हो रही है, डेट टाइम टेप वगैरह सब शो हो रहा है, तो यहाँ पे फोन की बैटरी शो होगी, उसके बाद नोटिफिकेशन शो होंगे, अगर आप सॉन्ग चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से सॉन्ग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अच्छी चीज ये है कि जो रेस आ रही है इसकी, ये राइट वायर वायर है, कोई भी वायर नहीं है इसमें, तो ये सीधा सेंसर से काम करती है, जो कि एक्सीलेशन के लिए ज्यादा बढ़िया है। जब आप एक्सीलेट करते हो वायर जो है वो अपना एक्शन करेगी, बट जो सेंसर है वो ज्यादा जल्दी काम करेगा, तो दैट्स व्हाई इसमें सेंसर दिया गया है। ब्रेक का कुछ आपका ही नहीं है, मतलब अगर टूट भी जाए तो इसमें है ही नहीं है, दबाने की जरूरत नहीं है, कभी खर्चा भी बढ़ जाता है। टैंक का सबसे अच्छा चीज हो रही है इसमें, क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन होता है, फ्यूल इंजेक्शन होने के कारण सिंपल सी बात है, कोई भी फ्यूल इंजेक्शन की गाड़ी है तो फ्यूल इंजेक्शन को 1.5 से 2 लीटर तक आपको मतलब तेल रखना पड़ता है टैंक के अंदर। तो जो पहले गाड़ी आती थी उसका 9.7 का टैंक होता था, जिसमें 2 लीटर तेल रखे आपको 7.5 समथिंग आपको बचता था, तो अभी 13.7 का टैंक आ गया है, तो टैंक बड़ा होने के कारण आपको फ्यूल इंजेक्शन में अगर 2 लीटर तेल रखते भी है टैंक में तब भी आपके पास पेट्रोल बच जाता है। उसके बाद आ जाता है कि इसका 40% एयर बॉक्स पड़ा हुआ है, अगर आप पास आ जाइए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो इसका रेडिएटर है वो भी कर्व कर दिया गया है, ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, मैं टायर घुमा देता हूँ, ये कर्व कर दिया गया हुआ है, और इसका 40% एयरबॉक्स बड़ा कर दिया गया है, जितनी हवा ज्यादा लेगा उतना बाहर, और स्पेशली इसके रेडिएटर के जो फैन है वो एक नहीं दो है, दोनों साइड 200 में एक आता है, बट इसमें दोनों अलग अलग है। बाकी इसकी फिनिश मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है, KTM का यहाँ पे ये लोगो आ जाता है, बट जो ये KTM का लोगो दिया ना ये फर्स्ट टाइम देखा है मैंने। तो टैंक के जो दो कलर बताए थे ये है मैडम, यहाँ पे आ जाएगा आपको फ्यूल टैंक और ये है फायर, यहाँ पे आएगी बैटरी और फ्यूज और स्पीडोमीटर का फ्यूज सारे यहीं पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके बाद आ जाएगी सीट, यहाँ पे 390 में 200 और 125 से अलग है, क्योंकि इसमें जो यूमाइपर लगा सॉरी ये जो कपड़ा लगा हुआ है ये भी अलग है। मैं आपको एग्जॉस्ट दिखाना चाहता हूँ जो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया है, तो आई हूँ कि आप
एग्जॉस्ट पे आपको यहाँ पे KTM का लोगो मिल जाता है और इसको थोड़ा अप रखा गया है अगर पानी के अंदर भी चल रही है क्योंकि बरसात जब आती है महाराष्ट्र में और गुजरात में कुछ ज्यादा ही आती है तो दैट्स व्हाई इसको ऊंचा रखा गया है। ये मजाक की बात है बट हाँ ऊंचा रखा गया है इसको और इसके पीछे एक जाली दी गई हुई है कि कोई मेंढक वगैरह में छलांग मार के अंदर चला जाए। कुछ दिखा लो इधर आइए। तो ये जाली दी गई हुई है जो कि मस्त लग रही है और मेरे को इसका साउंड भी थोड़ा हैवी लगा है इसके कारण अच्छा है। पीछे वाला टायर भी मेटजाइलर के मिलेगा 150 का और इसमें आपको बॉश का एबीएस पीछे भी बॉश का एबीएस और बाइक की ब्रेक मिल रही है। इसके पीछे की लाइट काफी ज्यादा मस्त है। यहाँ पे आपको रेडी टू रेस का स्लोगन देखने को मिलेगा और ये लाइट काफी मस्त है, मैं दिखा देता हूँ आपको। बाकी इसकी प्रीवियस एक की बात रही थी जैसे पहले भी बता चुके हैं आपको, इसमें आपको एक ही कलर की मिलती है बट ये सिंगल जो चेसी है इसका ब्रेक को सिंगल ही रहा है, डबल कर दिया जैसे ड्यूक में होता था तो ये अलग अलग है। इसको हल्का भी रखा गया है बट इसका क्या है कि इसमें ये जो पार्टीशन इसकी की हुई होती है इसका वेट रेशियो बांटने के लिए की होती है कि डायरेक्ट जो है वेट सीधा नीचे ना पड़े। अगर आप बैठते हो तो वेट सीधा नीचे नहीं जाएगा, ये वेट रेशियो बढ़ जाता है। तो अपेक्स का WB का है, यहाँ पे आपको इसकी ज़्यादातर बाकी में देखने को नहीं मिलती है बट इस पर अपेक्स और WB की ब्रांडिंग है यहाँ पे और 10 स्टेप डाउन होते हैं। अगर अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप अप एंड डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, 1 साल की वारंटी भी होती है इसकी, स्टैंड भी करवा सकते हैं आप। बाकी रही स्टैंड की बात, सेफ्टी की बात, तो स्टैंड में वही है जो स्टार्टिंग से आ रहा है कि अगर स्टैंड लगा हुआ है गियर डालेंगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये सेफ्टी में सबसे बढ़िया क्योंकि 2012 से KTM ये दे रहा है इसलिए इतना ग्रो हो रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक के सब स्पोर्ट्स बाइक अगर चलती है तो सबसे ज्यादा जरूरी उसकी सेफ्टी ही होती है। उसके बाद है जो खर्चा बचाने वाली की बात की थी तो ब्रेक एंड गियर लीवर आपको एडजस्टेबल ही मिलते हैं। तो अब हम करते हैं इसके इंजन की बात जिसमें आपको 373 cc का इंजन मिल रहा है सिंगल सिलेंडर DOSE लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व के साथ 6 स्पीड आपको मिल रहा है। तो मैक्स पावर की बात करूं तो आपको जो इसकी मैक्स पावर मिलेगी 43 bhp की मिलेगी और अगर आपकी टॉर्क की बात करें तो 37 Nm के नियर अबाउट आपको इसकी पावर देखने को मिल रही है और सीट हाइट है 8-4 के नियर अबाउट सीट हाइट मिल रही है आपको। सीट हाइट काफी ज्यादा नीचे है तो आराम से कोई भी अगर छोटी हाइट का भी पर्सन है तो आराम से चला सकता है, एक बार RC ड्राइव के टेस्ट ड्राइव करके देखें। तो एक्चुअली वीडियो चलते चलते भी इसमें क्वेश्चन आ गया है सर का, तो सर का क्वेश्चन था कि एक्चुअली हॉर्स पावर जनरेट कैसे होती है, लाइक 43 अगर PS पावर आ रही है तो कैसे आ रही है। तो नॉर्मली है कि जो इसकी क्यूबिक कैपेसिटी होती है लाइक CC इंजन जितना है उस पर जो रेवोल्यूशन पर मिनट RPM मतलब ट्रेन जो घूमती है RPM जो उसका निकलता है उसमें जो पावर निकलेगी वो 43 PS पावर निकलती है। लाइक 10,000 RPM पे 9,000 RPM पे टॉर्क जो है वो नीचे निकलती है, जो मैक्सिमम पावर निकलती है वो टॉप स्पीड पे निकलती है और जो ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क निकलती है वो टॉप स्पीड पे निकलती है लाइक छोटे गियर में। तो ये टॉर्क एंड पावर होती है। अगर मैं एक छोटी सी उदाहरण दूँ आपको तो मैं 200 और 250 की देता हूँ बजाज की और इसकी, बट RPM उसका अलग अलग हो जाता है, वो बहुत लंबा थोड़ा टॉपिक हो जाएगा। अगर मैं उदाहरण दूँ तो N250 आती है साइड पे बाइक लगा देंगे यहाँ पे N250 फोटो लगा दी, तो N250 आती है F250 आती है उसकी जो पावर आ रही है 24.5 आ रही है बट जो हमारा 200 है वही पावर दे रहा है 25 PSP। तो वो ज्यादा कैसे दे रहा है क्योंकि वो 200 है वो 250 है बट इसमें क्या है अलग अलग चीज आ जाती है, वो 8,000 RPM पे उतनी ज्यादा पावर दे रहा है, हमारा 10,000 RPM पे दे रहा है। तो ये काफी ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो इसके बाद आगे चलते हैं इसकी आवाज सुनने के लिए क्योंकि मैं फिलहाल आवाज सुनने के लिए बेताब हूँ, परेशान भी थोड़े बेताब है आवाज सुनने के लिए कि एग्जॉस्ट अलग लगा हुआ है, तो सुनते हैं कैसी आवाज है, चलो चलते हैं। सबसे पहले फ्यूल पंप की आवाज, फिर वाइब्रेशन, क्या स्विच ऑन था फिर ऑफ करके ऑन करते उसमें मजा नहीं आता है। तो वाइब्रेशन फील हो रही है
ऐसा मत सोचना कि पैसे नीचे डाल रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, कसम कसम देख रहे हम सब्सक्राइब करवाते हैं तो सीधा सीधा सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं भाई, पता नहीं बीच बीच में कोई ना कोई अलग ही सवाल पूछ लेता है तो वीडियो कहीं और चली जाती है। तो ऐसे ही लंबी लंबी वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है आपका तो नीचे कॉमेंट में आप जाके बता सकते हैं हमारे साथ, पहले हम उनको दबा देते हैं ताकि कोई भी गाड़ी हम गाड़ी की वीडियो डालते हैं इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और भाई यार एक बात मैं लास्ट बार बताता हूँ, नीचे कमेंट करके ये मत कहा करो कि आरसी 125 आरसी 200 आरसी 390 पुराना मिल जाएगा, भाई नहीं मिलता, वो गाड़ी नहीं बनेगी। मैं बार बार कह चुका हूँ वो गाड़ी नहीं मिलेगी, ये लुक मिलती है, ये लुक लीजिए, इसकी टेस्ट राइड लीजिए, पता लग जाएगा आपको कि किसमें ज्यादा चलना है। तो बाय।